परादि गुणों की उपयोगिता देखते हैं। इसमें थोड़ा सा बताया गया है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ ताकि अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। हम पढ़ भी चुके हैं जैसे पर अपर पढ़ा था कि कौन श्रेष्ठ है कौन निकृष्ट है, तो प्रधान और अप्रधान के हिसाब से आपको देश व्यय विपाक रस ये बता के आने हैं। तो वो हो गया पर अपर, खत्म बात। दूसरा आता है युक्ति। युक्ति के अंदर आपको बताना है कि किसी भी रोगी की चिकित्सा करने के लिए किसी भी द्रव्य को युक्ति पूर्वक देना चाहिए, अर्थात उसके दोष का विचार करके, उसके काल का विचार करके, उसके व्यय का विचार करके, इन सभी का विचार करते हुए योजना बनाते हुए हमें चिकित्सा करनी है। क्योंकि योजना बनाते हुए चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा क्या होती है, सफल होती है हमारी। फिर आता है संयोग और विभाग। संयोग विभाग से आपको समझाया पथ्य अपथ्य, किस तरह से संयोग का मतलब होता है पथ्य देना है उसको, यानी कि नई वस्तुओं का उसका जो रूटीन है, डाइट रूटीन है, उसके अंदर कौन सा खाना पीना, कौन सी डाइट ऐड करनी है, तो वो हो गया संयोग। उसका जो डेली रूटीन है यानी वो मद्य का सेवन करता है तो उसे बोलेंगे कि विभाग, मतलब कि अपथ्य है तो हटाओ इसे अपने रूटीन में से। अगर आप ये औषधियां ले रहे हैं, बोलते ना आयुर्वेद की औषधियां लेते हैं तो बहुत परहेज करना पड़ता है, तो यही है संयोग और विभाग, मतलब कि पथ्य और अपथ्य और अनुपान के बारे में बताना है। पृथकत्व का मतलब हो गया कि उसको द्रव्य के बारे में समझाना है कि द्रव्य की चिकित्सा के अंदर द्रव्य के बारे में समझाना कि ये द्रव्य इस द्रव्य से डिफरेंट है, तो ये पृथकत्व हो गया। परिमाण की इंपॉर्टेंस आ गई, मात्रा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में ये लेना है, कितनी क्वांटिटी में आसव लेना है, कितनी क्वांटिटी में ये द्रव्य का सेवन करना है। फिर आता है अभ्यास। देखिए अभ्यास देते हैं तो किसी भी औषध द्रव्य का अपन उसे लत लग जाती है हमें, तो बोलते हैं ना कि कुछ कुछ द्रव्य ऐसे भी होते हैं जिनका ज्यादातर सेवन नहीं कराना, जिनका ज्यादातर अभ्यास नहीं करवाना चाहिए। जैसे क्षार होता है, जैसे पिपली है, जैसे लवण है, इनका अभ्यास नहीं करवाना है। तो अपने को जो औषध लेनी है ना तो नियत काल तक ही देनी है जब तक वो रोग अवस्था में है, और जैसे ही वो रोग अवस्था से मुक्त हो जाता है उसको उस द्रव्य से हटा देना है, यानी कि उसको सेवन करने के लिए बोल देंगे कि अब बस कर जाओ, अब मत लेना। ये होता है अब तो ऐसे करके आपको परादि गुणों को समझाना है। देखिएगा परादि गुणों का उपयोग चिकित्सा में नहीं होता है क्योंकि चिकित्सा के गुण कौन से होते हैं, गुर्वादि गुण होते हैं, परंतु चिकित्सा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन गुणों का ज्ञान आवश्यक है। ये होते हैं आपके गुण कंप्लीट। नेक्स्ट है रस विज्ञानीय, ये पढ़ते हैं कल। समझ में आया? नहीं नहीं कल क्लास नहीं होगी, आई मीन मेरा मतलब था नेक्स्ट क्लास से था। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, और वैसे मैं इंपॉर्टेंट बताती चल रही हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं यूजी के अंदर पीजी के अंदर, सब कुछ कवर करते हुए चल रही हूँ, तो देख लेना एक बार आप याद करने के हिसाब से, है ना। और कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लिया करो। ओके okay?